नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो घंटा हो उसको जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करने जा रहे हैं वो है सुपर स्मैश मैंस का 20वां मुकाबला, जो यहाँ पर खेला जाएगा नाइट वर्सेस किंग्स के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको दोनों टीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको पिच रिपोर्ट की क्या कंडीशन रहने वाली है, बॉलर्स को फेवर करेगी या फिर स्पिनर्स को और या फिर बैट्समैन को, इसकी जानकारी देंगे। और साथ में आपको वीडियो के अंदर एक बहुत ही कमाल की टीम प्रोवाइड कराएंगे जिसकी हेल्प से आप लोग 100% किसी भी मैच को आराम से वॉन कर पाएंगे, किसी भी कॉन्टेस्ट में नंबर वन रैंक ला पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अंत तक देखिएगा। और जो भी मेरी फाइनल टीम होगी लाइनअप के बाद, वो मैं आपको अनाउंस करूंगा, मतलब दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चैनल का नेम मिल जाएगा। 2800 से ज़्यादा मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं और फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन ना हुए हों तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन की। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर पिच रिपोर्ट बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो पिच रिपोर्ट है वो रहने वाली है बॉलर्स के फेवर में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 117 का है और यहाँ पर वही टीम जीतती है जिसने चेस किया है एक बार। तो यहाँ पर ज़्यादा मैचेस खेले गए नहीं है, तो अब यहाँ पर जो आपको टीम क्रिएट करनी है वो बॉलर्स के फेवर में करनी है। लेकिन आपको यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से बहुत ही अच्छे अच्छे बैट्समैन देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जो बॉलर्स हैं उनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, बैट्समैन को अगर आप ना देना चाहें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ विकेट कीपर सेक्शन की, तो आपके सामने यहाँ पर तीन पिक नजर आएंगे आपको, फ्लेचर, शेफर्ट और बी पी बोकॉक की। तो यहाँ पर जो देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक हमारे लिए रहने वाली है वो यहाँ पर टीम शेफर्ट की ही रहने वाली है। हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ओपन करने आते हैं, बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो हम लोग भी इनको ही अपनी टीम में पिक करेंगे। बैटिंग में देखिए केन विलियमसन आज के मैच के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं, तो आप लोग जरूर इनको ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। तो अगर आज के मैच में केन विलियमसन खेलते हैं तो मैं 100% इनको ट्राई करूंगा, बाकी ये खेलने वाले कंफर्म है, तो लेना चाहें आप ले सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर मैं चैट बोस को अपनी टीम में भी करूंगा, उसके अलावा जे बॉल को आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन आज के मैच में मैं इनको अपनी टीम में जगह नहीं देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जीत रावल को अपनी टीम में जगह देने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पर देखिए नीचे कार्टर की पिक है, मैक्लियोवर की पिक है, बाकी यहाँ पर देखा जाए केन विलियमसन की पिक है। तो यहाँ पर मैं केन विलियमसन को पिक करूंगा, मैं यहाँ पर जे बॉल को अपनी टीम में जगह नहीं देने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर देखिए डेरी मिसल को मैं अपनी टीम में पिक करूंगा, उसके अलावा टॉड अशल को लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं। चार ओवर का स्पेल पूरा कंप्लीट करवाते हैं, विकेट्स भले रन निकाल के दे रहे हो लेकिन अच्छे प्लेयर चार ओवर कराते हैं, तो हो सकता है कि किसी भी मैच में दो से तीन विकेट अपने नाम कर लें। उसके अलावा मकोनी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पिछले मैच में चार ओवर कराए और दो विकेट भी निकाले, साथ में मिडिल ऑर्डर में अगर बैटिंग करने आ जाते हैं तो बहुत ही कमाल की बैटिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। उसके अलावा मैं यहाँ पर डेविस को पिक करूंगा और लास्ट में मैं यहाँ पर स्कॉट को अपनी टीम में पिक करना चाहूंगा। तो टोटल यहाँ पर मैं 4 ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में जगह देने वाला हूँ। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए ट्रेंट बोल्ट को आप लेना चाहे अपनी टीम में ले सकते हैं, पिछले मैच में इन्होंने एक भी विकेट हासिल नहीं किया था, तीन ओवर डाले थे पर एक भी विकेट इनको नहीं मिला था, तो आप लेना चाहे इनको ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा अपनी टीम में मैट हेनरी को, टीम साउदी को, बहुत ही अच्छी तरीके से बॉलिंग कराई पिछले मैच में इन्होंने, विकेट हासिल किए थे दो। उसके अलावा हमारे पास क्रेडिट जो बचता है वो 8 का बचता है, यहाँ पर आप देखिए को बर्न को अपनी टीम में भी कर सकते हैं क्योंकि 8 के क्रेडिट में हमारे पास देखिए यहाँ पर क्रेडिट प्रॉब्लम रहने वाली है। बाकी यहाँ पर देखिए अनुराग वर्मा की भी कि इन्होंने भी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कराई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट ना होने के कारण हम लोग यहाँ पे कोई और प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप चाहें तो आपको फिर केन विलियमसन को यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा, इनकी जगह पर आप चाहें कार्टर को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, उसके बाद मैक्लोर को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, बाकी यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर ट्रेंड बोल्ट को पिक कर लूँगा। तो अभी के लिए मेरी कुछ इस प्रकार की टीम रहेगी, जो ये मैच है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है इनके वो ही जीत सकती है, तो इनके के फेवर में मैंने ही टीम बनाई है। 6 प्लेयर मैंने इनके तरफ से लिए हैं, 5 प्लेयर ओनली मैंने मैजिशियंस की तरफ मतलब किंग्स की तरफ से लिए हुए हैं। अपनी इस टीम में अगर मैं बात करूँ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, मैं किस प्लेयर को कैप्टनसी और किस प्लेयर को वाइस कैप्टनसी देना चाहूँगा, तो दोस्तों मेरी जो ये टीम रहेगी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कैप्टनसी यहाँ पर डेरी मिशेल को ही देंगे क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट कलेक्ट करके देने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कैप्टन यहाँ पर देखिए चैट बोस को आप बनाना चाहे बना सकते हैं, बाकी अभी के लिए सबसे टॉप पिक टीम शेफर्ड की ही रहेगी। बाकी केन विलियमसन को अगर मैं अपनी टीम में जगह दूंगा तो उनको वाइस कैप्टन डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। तो मैं अपनी दोस्तों इस टीम को सेव कर देता हूं, आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहां पर जाकर आप लोग इस टीम को सेव कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो क्या करना है आपको, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पास में घंटा दबा देना ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी अगर आप चाहते हैं आपको किसी भी मैच की लाइनअप, किसी भी मैच की फाइनल टीम मिले, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का नेम, कमेंट में आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी,
तब तक के लिए जहां भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जितने भी फैंटसी मैच हैं, जितने भी फैंटसी ऐप हैं, जहां पर भी आप इन्वेस्ट करें ऑलवेज विन करें हमारी टीम मैनेजमेंट से, हमारी टीम कॉम्बिनेशन से। तो दोस्तों मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।